अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है हमारी वाइट पास्ता। तो आपको लग रहा है ना कि टेस्टी है। चलो हम देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या इससे बनी जाती है और क्या इंग्रेडिएंट्स और कितने आसान से बना जाता है। चलो आज हम देखते हैं कि वाइट पास्ता किस तरह बनता है। तो हम रोज़ ग्रेवी, फिश वगैरह, मटन, चिकन बहुत कुछ देख लिया। आज मैं दिखाऊंगी वाइट पास्ता। तो मैं पास्ते के लिए ये लेके रखी हूँ। आपके पास ये नहीं है तो दूसरा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं मकरोनी में, लेकिन मैं यहाँ पे लेके हूँ पास्ता। और यहाँ पे है मैदे का आटा 2 स्पून और मिल्क। मैं थोड़ा थोड़ा डाल के दिखाऊंगी आपको कितना। मैंने तो यहाँ पे लिया है 1/2 ग्लास। पहले तो मैंने आधा ग्लास ले लिया है। आपको दिखाऊंगी कितना चाहिए इतना लूँगी। यहाँ पे है येलो कैप्सिकम एंड रेड कैप्सिकम। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप कॉर्न डाल सकते हैं। अगर विदाउट वेजिटेबल है तो ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल बना सकते हैं। और यहाँ पे है चिली फ्लॉक्स एंड यहाँ है 1 स्पून है चिली फ्लॉक्स, मतलब छोटे स्पून से 1 स्पून है। ज़्यादा डालेंगे तो स्पाइसी हो जाएगा। और यहाँ पे है 1 स्पून ब्लैक पेपर छोटे स्पून से, मतलब टेबल स्पून में छोटे स्पून से ब्लैक सॉल्ट एंड चिल्ली फ्लॉक्स है 1 छोटा स्पून एंड सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। और मैंने यहाँ पे लिया है बटर का 1 बड़ा पीस, तो यहाँ पे भी है 1 छोटा सा। मैंने इतना बटर लिया है। अगर आपको बटर नहीं चाहिए तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, इतना ही चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिया है चीज़। ये चीज़ लेके अगर आप स्प्रेड करके डाल सकते हैं या काट के स्लाइस में डाल सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पानी ऑलरेडी रख लिया था पकने के लिए, तो अच्छी तरह गर्म हो गया है ये, आप देख सकते हैं। इसमें मैं डालती हूँ यहाँ पे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने इसमें। अगर आपके पास जैतून का ऑयल है वो भी डाल सकते हैं, आपके पास कोसा ऑयल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, साथ ही साथ पानी अच्छा पकने के बाद पास्ता डालती हूँ। इसको पास्ते को ज़्यादा उबालना नहीं है, बस 70-80% करना है। अगर ज़्यादा बनाएंगे तो चिपचिप हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है पास्ता। आपको ऑयल ऊपर से नज़र आता होगा। ऑयल मैंने इसलिए डाला है कि जब गलेंगे एक को एक लगना नहीं चाहिए, चिपचिपे नहीं होना चाहिए। और हमें इसे ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए। आप लोग पास्ता रेस्टोरेंट में खा के होंगे, अलग अलग मिलता होगा। तो हम ऐसे ही वाइट पास्ता बनाने वाले हैं, तो अलग अलग ही हम इसको ढंग से उबालेंगे। इसलिए मैंने तेल डाला है कि चिपचिपे ना हो, ठीक है। हम इसको 80% तक उबाल लेते हैं, मतलब पका लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी मकरोनी सॉरी पास्ता कहाँ पे तक हुआ मैं। तो इस कंटेंट तक आना चाहिए, और थोड़ा भी कर लेंगे तो ओके। इसमें मैं साल्ट डालना भूल गई थी। आप जो मेजर के लिए सॉल्ट लिया है उसमें से थोड़ा सॉल्ट इसमें डाल सकते हैं। अभी मैं 2 मिनट में इसको निकाल दूंगी, पूरा पानी डिप कर दूंगी, पूरा पानी इसमें से निकाल दूंगी। निकालने के बाद इसको अलग सा बना के रखूंगी, ठीक है। इसमें वाटर में ऐसे ही नहीं रखना है। आप देख सकते हैं कि मेरा पास्ता ईजी से कट हो रहा है। यहाँ तक आप लेके आना चाहिए इसे, ज़्यादा नहीं पकाना, बस यहीं तक। तो मैं अभी इसे उतार के पानी में से निकाल देती हूँ पूरा। तो यहाँ पे रख लिया है मैंने कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने पास्ता निकाल लिया है इस वो होल्स वाले बर्तन में, पूरा निकाल के इसको मैं पानी निकाल दिया है। इसमें मैं जब मैं उबाल रही थी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना था, मैं भूल गई थी। भूल गए कोई बात नहीं, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप जब उबालेंगे हम ऑयल डालते हैं, साथ ही साथ 1 टेबल स्पून सॉल्ट भी डाल देंगे तो ठीक है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बटर। तो मैं बटर को अच्छी तरह ये मेल्ट होने दूंगी, फिर मैं पहले डालूंगी अपने वेजिटेबल्स। आपके पास कॉर्न है या कैप्सिकम है या दूसरा कुछ वेजिटेबल है तो वेजिटेबल को पहले बटर में तल के निकाल लें, एक साइड में कर लें तल के। पहले मैं इसको अच्छी तरह घोल लेती हूँ। तो यहाँ पे बटर अच्छी तरह हो गया। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे रेड कैप्सिकम, उसको भी मैं 2 मिनट के फ्राई करके साइड में कर लेती हूँ। और मैं डाल रही हूँ येलो कैप्सिकम, दोनों को डाल रही हूँ। इसको मैं फ्राई करके एक साइड में निकाल लूँगी। ये हमारी जो वेजिटेबल है वो अच्छी तरह इसमें फ्राई हो गई है बटर में। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको पूरी अच्छी तरह निकाल लें। तो हमने अच्छी तरह पूरा वेजिटेबल निकाल लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदे का आटा। तो हमने 2 स्पून लिया है टीस्पून से। इसको अच्छी तरह मिलाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, पूरा अच्छी तरह मेल्ट करेंगे बटर में ही। मेल्ट होने के बाद जो हमारा मैदा है, अच्छी तरह मेल्ट होने के बाद आप सिम पे रख दें, लो फ्लेम पे रख दें। अब मैं यहाँ पे डालूँगी दूध। लो फ्लेम पे डाल के, हम लो फ्लेम पे रख के ही थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसको मिक्स करते रहेंगे। और जो हम दूध ले रहे हैं वो एकदम ठंडा होना चाहिए, फ्रिज का होना चाहिए एकदम ठंडा दूध। आप इस बात का ध्यान रखें कि एकदम ठंडा दूध। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रीमी का टेक्सचर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह क्रीमी का टेक्सचर आ गया। जब आपको मालूम होना है तो आप ऐसा कर दें, एक को एक नहीं जमेगा तो आप समझ जाएं हमारा ये स्टेप बराबर है। तो हम यहाँ पे डालेंगे चिल्ली फ्लॉक्स जो हमने लेके, ज़्यादा नहीं डालना, वाइट पास्ता बना रहे हैं आपको मैं फिर से बोल रही हूँ, बस थोड़ा सा डालना वो भी स्पाइसी के लिए, ठीक है। तो चिल्ली फ्लॉक्स इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं डालूँगी इसमें ब्लैक पेपर, वो भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, जो सॉल्ट है वो भी हम डालेंगे इसमें। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब हमें डालेंगे यहाँ पे पास्ता जो हमने उबाल के रखा है। आप देख सकते हैं कि मेरा पास्ता कितना अलग अलग है, एक को एक लगानी है, तो इस हिसाब से हम बनाएंगे। तो इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वाइट पास्ते में ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्रीम थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो आप इसमें जो हम दूध ऐड करे थे वो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मकरोनी को भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं कर ली हूँ हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे अपना नमक चेक करके, अगर आपको सॉल्ट की कमी है तो आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं अपना जो वेजिटेबल फ्राई करके रखा था वो वाला। अगर आपको इसमें नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, कलरफुल रहता है पास्ता, इसलिए मैं डाल रही हूँ। मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। लंच पे मैं आज बाहर जाने वाली हूँ तो जल्दी बनाऊँगी, वीडियो शूट नहीं होएगा इतना जल्दी, तो इसलिए मैं आपको मॉर्निंग की वीडियो दिखा रही हूँ। तो जब भी हम पास्ता बनाएंगे आप खुले बर्तन में बनाइए, ताकि उसको खिलने का मौका मिले और खुश होने का मौका मिले, तो हमारा पास्ता टेस्टी एंड क्रीमी बनेगा। आप एकदम छोटे बर्तन में टाइट करके बनाएंगे तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चीज़। अगर आपको ये चीज़ पसंद है तो डाल सकते हैं, यानी तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ डाल रही हूँ। इसको 2 मिनट में मिक्स करूँगी, फिर मैं स्टोव बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे 2 मिनट्स मैंने मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद मैं कर देती हूँ स्टोव बंद। तो आप देख के मुझे बोलिए कि मेरी वीडियो पसंद आई, आपको पास्ता पसंद आ गया, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो हम अभी सर्व कर लेते हैं। मैं अभी यहाँ पर कर लेती हूँ सर्व। आप देख सकते हैं कितना अलग अलग है, एक को एक लगा नहीं है मेरा पास्ता, और क्रीमी भी कितनी अच्छी है। तो मैंने जैसे बताई थी आपको और क्रीमी चाहिए तो और थोड़ा मिल्क आप ऐड कर सकते हैं इसमें, मुझे बस इतना ठीक था तो मैंने इतना ही लिया। तो यहाँ पे मेरा गर्मा गर्म क्रीम पास्ता, वाइट पास्ता रेडी हो गया है और टेस्टी भी है। चलो मैं अब जा रही हूँ खाने। आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। Love is...